मैं कॉपी आज तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक ऐसे आइलैंड पे फंसा हुआ था जहाँ की ना तो कोई पेड़ थे ना तो कोई वेजिटेशन। मेरे पास ना तो टूल्स बनाने के लिए वुड था ना तो खाने के लिए खाना, पर फिर भी मैंने इस आइलैंड पे सर्वाइव किया 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। हेडफोन्स लगाकर बैठ जाओ, मैं अपनी पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कॉपी और आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर। पर आज की इस वाली वीडियो में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं सर्वाइव करना 100 डेज तक, वो भी एक सर्वाइवल आइलैंड पर। पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में। यहाँ पर आप 70 प्लस गेम्स खेल के जीत सकते हो बहुत सारा इनाम। इधर आप फ्री फायर एंड सीओडी मोबाइल जैसे गेम्स की टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। इधर विंजो वर्ल्ड वार में गेम्स के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें आप जीतो या हारो आप जीत सकते हो लाखों का इनाम। तो खेलना जरूर, फर्स्ट दो गेम्स फ्री है। यहाँ विंजो पे विंजो स्टोर भी है जहाँ से आप फ्री फायर, लॉर्ड्स मोबाइल, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स के करेंसी बाय कर सकते हो काफी अच्छे डिस्काउंट्स में। और विंजो वॉलेट से आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई एंड बैंक अकाउंट में। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से डाउनलोड करो और मेरे तरफ से आपको मिलेगा ₹50 का बोनस। तो मैं स्पॉन हुआ इस आइलैंड में और मेरे को अब इसी आइलैंड में 100 डेज तक सर्वाइव करना था। और उसमें सबसे चैलेंजिंग बात यह था कि दूसरे सर्वाइवल आइलैंड्स की तरह इस आइलैंड में पेड़ नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ ग्रास को तोड़ा इस होप में कि मेरे को वीट सीड मिल जाए, पर अफसोस सिर्फ 5 ही ग्रास थे और उन सारे को तोड़ने के बाद भी मेरे को एक भी सीड नहीं मिला। फिर मेरे आइलैंड से काफी दूर मेरे को एक टापू दिखा और उसमें कुछ ग्रास जैसा दिख रहा था, तो मैं सीधा उसके ओर बढ़ने लगा। पर रास्ते में ही मेरे को एक शिपरेक मिला। ओ माय गॉड, कितना लक्की था मैं। तो मैं सीधा उस शिपरेक के अंदर गया और उस शिपरेक को लूटने लगा। मेरे आइलैंड के इतने पास शिपरेक था, इसका मतलब मेरे को अभी तो पेड़ की भी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं सारा का सारा वुड इधर से ही ले सकता था। तो मैंने अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बनाया और फिर बाकी का चेस्ट भी लूटने लगा। मेरे को कई सारे व्हीट, कोल और कुछ रोटन फ्लेश भी मिल गया। फिर कुछ और वुड को लेने के बाद मैं उस शिपरेक से चल पड़ा उस टापू के ओर, क्योंकि मेरे को व्हीट सीड चाहिए था। पर उसके पास ही रास्ते में एक ओशियन मॉन्यूमेंट था। मेरे सर्वाइवल आइलैंड के इतने पास मेरे को एक मॉन्यूमेंट और शिपरेक मिल चुका था। फिर उस टापू के ग्रास को तोड़ने के बाद मेरे को कुछ व्हीट सीड्स मिली गए। एक और टापू में मेरे को कुछ शुगर कैन भी मिला और मैंने उसे भी ले लिया। क्या पता कब काम आ जाए। तो इन सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद मैं अपने मेन आइलैंड पे वापस लौट गया। फिर मैंने कुछ स्टोन तोड़ने का ट्राई किया, पर मेरे पास माइनिंग फैटिक था तो मैं तोड़ नहीं पा रहा था। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, पर फिर मेरे को एहसास हुआ कि हाँ, मैं मछली तो मार ही सकता हूँ। तो मैं फिर मछली मारने के लिए चला गया और रात तक मैंने सिर्फ मछलियाँ ही मारे। फिर रात को मैं वापस अपने बेस पे लौट गया और फाइनली अब स्टोन टूल्स बना सकता था। मैंने एक फर्नेस बनाकर अपने मछली को पकने के लिए रख दिया और फिर उन स्टोन से कुछ बेसिक स्टोन टूल्स बना लिया। फिर पूरी रात मैंने माइनिंग किया। मेरे आइलैंड पे कुछ आयरन पड़े हुए थे, मैंने उन आयरन को भी माइन कर लिया और उतने में ही सुबह हो गई। डे वन पे मैं फिर से शिपरेक पे गया क्योंकि मेरे को और भी वुड चाहिए था। और उस शिपरेक में एक और चेस्ट भी था जो कि मेरे को पहले नहीं दिखा था, और उस चेस्ट में मेरे को कई सारे एमराल्ड्स, आयरन और लैपिस लाजुली मिले। फिर उन सारे चीजों को लेकर मैं वापस ही चला गया और अपने सारे सामान को मैनेज करके रख दिया। मैंने अपने व्हीट को अब तक प्लांट नहीं किया था तो मैंने उसे भी प्लांट कर दिया और फाइनली मेरा पहला फार्म तैयार था।
अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए मेरे को कुछ कोल चाहिए था। कुछ ही देर माइन करने के बाद मेरे को कोल मिली गए, तो अब मैं अपना आयरन को स्मेल्ट कर सकता था। मैंने उन आयरन से अपने लिए एक शील्ड बनाया और फिर से माइनिंग को कंटिन्यू किया। इस माइनिंग के दौरान मेरे को कुछ आयरन, कोल और डायमंड भी मिले। मेरे शेडर्स की वजह से बहुत सुंदर लग रहे थे डायमंड्स, और उन्हें माइन करना इतना सेटिस्फाइंग था, क्या ही बताऊं। फिर मैंने एक डायमंड पिकेक्स बनाया और अपने इन्वेंटरी को कुछ मैनेज करके ऑब्सिडियन माइन करने के लिए चला गया। भाई स्पीड रन करते करते अब तो आदत सी हो चुकी है नेदर में बहुत फास्ट फास्ट जाने की, तो मैंने कई सारे ऑब्सिडियन को कलेक्ट किया और वापस अपने बेस पे लौट गया। अब मेरे पास बहुत सारा आयरन भी हो चुका था, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ आर्मर बनाए और अब सिर्फ चप्पल बाकी था आर्मर सेट कंप्लीट होने के लिए। अगले कुछ दिनों तक फिर मैंने माइनिंग ही किया। मैंने बहुत सारा आयरन को इकट्ठा किया और फिर अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए ऊपर गया था। तभी एक वेंडरिंग ट्रेडर आ गया था मेरे बेस में। फिर मैंने उसका ट्रेड चेक किया तो वो सेल कर रहा था एक सैपलिंग को। तुम लोग किस्मत देख रहे हो क्या? पेड़ नहीं था तो क्या हुआ भाई, एक पेड़ लेकर बंदा तो आ ही गया। और सबसे लकी बात यह था कि मेरे पास एमराल्ड्स भी ऑलरेडी था, तो मैंने उससे एक सैपलिंग और एक पम्पकिन खरीद लिया। ओह माय गॉड, दिस वाज ह्यूज गाइस। तो कुछ देर तक उस पेड़ के बाजू में बैठने के बाद मैंने अपने पम्पकिन को भी प्लांट कर दिया और अपने नेदर पोर्टल को कंप्लीट कर दिया। फिर कुछ ही ग्रेवल को तोड़ने के बाद मेरे को फ्लिंट भी मिल गया और अब फाइनली मैं जा सकता था नेदर में। मैंने उसी दौरान कुछ कॉपर को भी माइन किया। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इससे क्या होता है। मैंने एक पिकैक्स भी बनाने की ट्राई किया पर नहीं बना। फिर स्केलेटन से मिला हुआ बोन को बोन मिल बनाकर मैंने अपने पेड़ को बड़ा किया। अब फाइनली वुड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका था। तो मैंने उस पेड़ को चॉप किया और उसके सैपलिंग्स के गिरने का वेट किया। मेरे को काफ़ी सारे सैपलिंग्स मिल गए और उन सारे सैपलिंग्स को मैंने प्लांट कर दिया। फिर मैंने अपने पोर्टल को अनलॉक किया, एक्टिवेट किया और अंदर घुस गया। हमेशा की तरह बहुत ही गंदा स्पॉन मिला था मेरे को और किधर भी जाने का रास्ता नहीं था। तो मैंने डिग करके एक टनल बनाना शुरू किया और उस टनल से नीचे जाने का एक रास्ता खुल गया। पर हाइट बहुत ऊंची थी और अगर मैं इधर से छलांग मारता तो ऑफ कोर्स मैं मर जाता। इधर मैं वाटर बकेट ट्रिक भी नहीं कर सकता था, तो मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा हुआ था। अब मेरे को अपने व्हीट का ग्रो होने का वेट करना था और उसे हेबल बनाकर एमएलजी करके नीचे जाना था। तो मैं वापस लौट गया और एक छोटा सा आइलैंड बनाना शुरू किया, क्योंकि भाई मेरे को इधर मॉब्स को स्पॉन करवाना था और अगर एक जोम्बी विलेजर भी स्पॉन हो जाए तो मैं उसे हील करके एक नॉर्मल विलेजर बना सकता था। तो रात तक काम करने के बाद मैंने अपना मॉब स्पॉन आइलैंड भी कंप्लीट कर दिया और मैं फिर से माइनिंग करने के लिए चला गया। और हमेशा की तरह इस बार भी मेरे को कई सारे आयरन मिल गए। मेरे को माइनिंग के दौरान कुछ नए ब्लॉक्स भी मिले। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन से ब्लॉक से। फिर कुछ क्रीपर के पटाखे फोड़ने के बाद मैं फिर से माइनिंग में लग गया और इस बार मेरे को कई सारे गोल्ड और डायमंड ओर भी मिल गया। फिर मैंने बोन मिल का यूज करके अपने व्हीट को बड़ा किया और उन सारे व्हीट को हार्वेस्ट करने के बाद मेरे पास इनफ व्हीट हो चुके थे एक हेबल बनाने के लिए। तो मैंने हेबल एमएलजी करके नेदर में पहुंच गया और फाइनली अब मैं इधर से बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकता था। सबसे पहले तो मैंने एक एंडरमैन के लिए फार्म बनाया और उन्हें चिढ़ाकर अपने फार्म की ओर बुलाया। तो
कुछ एंडरमैन को मारने के बाद मैंने कुछ एंड्रोपोल को कलेक्ट किया और वापस ही लौट गया। मैं अपने मॉब फार्म में ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढ रहा था, तभी मेरे पे एक फैंटम ने अटैक किया, तो मैंने उसे मार दिया और मेरे को एक फैंटम मेम्ब्रेन मिल गया। फिर मैंने कुछ शुगर केन को प्लांट किया और फिर से वापस नेदर में चला गया। मेरे पोर्टल से नेदर फोर्ट्रेस बहुत दूर था, तो नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने में मेरे बहुत सारे दिन निकल गए। उस फोर्ट्रेस के चेस्ट में भी मेरे को कुछ अच्छा सामान नहीं मिला। फिर मैंने कुछ नेदर वाट को कलेक्ट किया और स्पॉनर ढूंढने लगा। मेरे को खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मेरे को मशरूम स्ट्यू बनाकर खाना पड़ रहा था। मेरे को पता नहीं था कि ये इतना अच्छा फूड सोर्स होता है। उतने में मेरे को स्पॉनर मिल गया और मैं ब्लेजेस को मारने लग गया। मेरे पास 11 ब्लेज रॉड हो चुके थे, तो मैं उन्हें लेकर वापस ही लौट गया। कई बार तो मैं ऑलमोस्ट मर गया था, पर फिर भी मैं जिंदा ही लौट गया और अपने एंडरमैन फार्म में फिर से कुछ एंडरमैन को चिढ़ाकर उन्हें मारने लगा। तो कई सारे एंड्रोपोल और ब्लेजरट लेके डे 21 पे मैं वापस अपने बेस पे लौट गया। सबसे पहले तो मैंने अपने नेदर वार्ड्स को प्लांट कर दिया और फिर अपने सारे सामान को मैनेज करके रख दिया। मेरे पास 6 एंड्रोपोल्स थे, तो मैंने उनसे एंड्रो आई बनाया। तो अब मैं रेडी था स्ट्रांग होल्ड को ढूंढने के लिए, पर बाहर बारिश हो रहा था, इसलिए मैंने उस रात अपने बेसमेंट के इंटीरियर पे काम किया। मैंने अपने लिए एक इंटरटेनमेंट टेबल भी बनाया, पर उसे मैक्स आउट करने के लिए भी मेरे को स्ट्रांग होल्ड से ही बुकशेल्फ्स लेकर आने थे। मैंने एक ब्रीविंग स्टैंड भी बनाया और कुछ चेस्ट बनाकर सारे सामान को सॉर्ट आउट कर दिया। फिर अगले दिन बारिश भी रुक चुकी थी और फाइनली वक्त आ चुका था स्ट्रांग होल्ड को ढूंढने का। मैंने अपने लिए एक बोट बनाया और अपने आई एफ एंडर को फॉलो करते करते स्ट्रांग होल्ड को ढूंढने के लिए चला गया। और रास्ते में मेरे को बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स मिले। इसका मतलब मेरे छोटे से आइलैंड के अलावा और भी लैंड थे इस वर्ल्ड में। भाई मेरे को इतने सारे चीजें मिले कि मैं तो पागल ही हो गया। इतने सारे बायोम्स थे और सारे बायोम्स होते हुए मैं अपने स्ट्रांग होल्ड की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में मेरे को पिग्स, काऊ और शीप जैसे कई सारे एनिमल मिले। मेरे को तो मन हो रहा था कि मैं अपने आइलैंड को ही छोड़ दूं और इधर ही बैठ जाऊं। फिर मैंने कुछ शीप को मारा और एक बेड बनाकर इतने सारे दिनों के नींद पूरा करने वाला था, पर एक फैंटम था जो कि ये नहीं चाहता था। भाई उसको क्या दिक्कत थी, मैं सोने वाला था पर वो सोने ही नहीं दे रहा था। बार बार मेरे को चिढ़ा रहा था, मैं इतना गुस्सा हो चुका था, पर फाइनली मैं सो पाया और सुबह उठने के बाद वो जल रहा था। इतनी खुशी मुझे आज तक सच्ची बता रहा हूँ यार, भास्कर से भी खुश था मैं उस दिन। और फिर कुछ देर के बाद वो फैंटम मर गया और मेरे को स्ट्रांग होल्ड भी मिल गया। जिधर मैं सोया था उसके बाजू में ही स्ट्रांग होल्ड था, तो मैं सीधा नीचे खोदने लगा और कुछ ही देर में मेरे को स्ट्रांग होल्ड मिल ही गया। तो स्ट्रांग होल्ड में पहुंचने के बाद मैं फटाफट से लाइब्रेरी ढूंढने लगा, क्योंकि मेरे को अभी एंडर ड्रैगन से फाइट नहीं करना था। मैं इधर आया था सिर्फ इंटरटेनमेंट कलेक्ट करने के लिए, पर मैं बहुत अनलक्की था क्योंकि मेरे को बुक्स के सिवाय कुछ नहीं मिला सारे के सारे चेस्ट में। फिर मैंने कुछ बुक्स को कलेक्ट किया ताकि मैं अपने इंटरटेनमेंट सेटअप को कंप्लीट कर सकूं,
और लकीली मेरे को एक और भी लाइब्रेरी मिला उसी लाइब्रेरी के बाजू में, पर इस लाइब्रेरी में भी कुछ खास नहीं था, पर मेरे को एक अच्छा वाला इंसेंटेड बुक मिल गया। मेरे को एंड पोर्टल रूम भी मिल गया था, पर अभी मेरे पास उतने सारे एंडर आई नहीं थे, तो मैंने जितने एंडर आए थे उतने को डाल दिया, और अभी भी और 5 चाहिए था इस पोर्टल को ओपन करने के लिए। फिर मैंने कुछ ओक सैपलिंग्स को कलेक्ट किया और वापस ही अपने आइलैंड पे लौट गया। वापस लौटते ही मैं सीधा नेदर में चला गया एंडर पॉल कलेक्ट करने के लिए। अगले कुछ दिन तक मैंने सिर्फ एंडरमैन को मारा और बहुत सारा एंडर पॉल कलेक्ट किया। तो 7 एंडर पॉल को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस अपने आइलैंड पे लौट गया। तो लौटने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने इन्वेंटरी को मैनेज किया और फिर अपने एंडर पॉल से एंडर आई बना दिया। फिर मैंने बुकशेल्फ्स लगाकर अपने इंचेंटमेंट सेटअप को मैक्स आउट कर दिया। और फिर मैंने अपने डायमंड पिकैक्स को इंचेंट किया और उसमें मेरे को बहुत अच्छे इंचेंटमेंट मिल गए। फिर मैंने एक एनविल बनाया, पर उसमें इंचेंट करने के लिए अभी मेरे पास डायमंड्स की टूल्स नहीं थे, तो मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया और अपने पोशंस बनाने लग गया। मेरे पास जो फैंटम मेम्ब्रेन था मैंने उसे यूज करके स्लो फॉलिंग पोशन बनाया और उसे एक स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट कर दिया। अगले दिन मैं सीधा चला स्ट्रॉन्ग होल्ड में, क्योंकि अब बारी था एंडर ड्रैगन को मारने की। मैंने बाकी के एंडर आई को लगा दिया और एंड पोर्टल खुल गया। और फाइनली हम एंडर ड्रैगन को मारने वाले थे, पर हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर अब देर वॉज नो टर्निंग बैक। एंडर ड्रैगन को मारे बगैर मैं वापस नहीं लौट सकता था। मैं काफी दूर स्पॉन हुआ तो ब्रिजिंग करके जा रहा था, तभी भाई मैं मेन आइलैंड तक भी नहीं पहुंचा था और एंडर ड्रैगन ऑलरेडी मेरे पे हमला करना शुरू कर दिया था। तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग फाइट देखो। एंडर ड्रैगन से मेरी बहुत ही लंबी फाइट हुई, क्योंकि मेरे पास बो एंड एरो नहीं था। उसी दौरान मैंने बहुत सारे एंडरमैन को भी मारे और बहुत सारा एंडर पॉल भी कलेक्ट किया, और फिर मैंने एंडर ड्रैगन के अंडे को कलेक्ट किया और एंड सिटी में चला गया। मेरे को अब एक एलाइट्रा भी चाहिए था, और एलाइट्रा से भी ज्यादा मेरे को इंचेंटेड बुक्स और इंचेंटेड टूल्स चाहिए थे। मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड से तो कुछ नहीं मिला, तो मेरा लास्ट होप था एंड सिटी। भाई एंड सिटी इतना दूर था, तुम लोगों को क्या ही बताऊं। तो बहुत दिन लगे मेरे को एंड सिटी ढूंढने में, और एंड सिटी ढूंढने के बाद इस एंड सिटी में एक एंड शिप भी था। मैंने उस एंड सिटी को लूटा, पर इधर भी इतने अच्छे लूट नहीं थे। मेरे को एक कर्स ऑफ वैनिशिंग वाला सबल मिला, जो कि बहुत अच्छा था। हाँ, कर्स ऑफ वैनिशिंग था, पर वो वैनिश होने से पहले हम ही वैनिश हो जाएंगे अगर हार्डकोर में मरे तो। फिर मैंने एलाइट्रा को ले लिया और चला एंडर ड्रैगन की हेड को कलेक्ट करने के लिए। लास्ट टाइम की जैसे ना गिरे, इसलिए मैंने पहले ही नीचे ब्लॉक्स लगा दिया, और सल्कर बॉक्स बनाने के लिए कुछ सल्कर को मारे, और अब बारी था उड़ने का। तो मैंने कुछ देर तक उड़ने का मजा लिया और फिर फाइनली वापस लौट गया। अब तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपी, सल्कर सेल, एंडर ड्रैगन हेड, एंडर ड्रैगन एग, इलाइट्रा, बहुत सारे चीज हो चुके थे। फिर मैंने अपने सारे यूजलेस सामान को सल्कर बॉक्स में रख दिया और उस आइलैंड से यूनिक चीजें कलेक्ट करने लगा, जैसे कि इस मुर्गी के अंडे। हाँ, अंडा यूनिक है भाई, मेरे आइलैंड पे नहीं मिलता अंडा।
फिर अपने मिशन कंप्लीट करने के बाद बहुत खुश होकर मैं वापस अपने बेस पे लौट गया। रास्ते में मेरे को एक जंगल बायोम वाला आइलैंड भी मिला। मैंने उस आइलैंड से कुछ जंगल सैपलिंग्स को भी ले लिया और फिर अपने आइलैंड पे लौटने लगा। वापस लौटते ही मैं अपने अंडे को फोड़ने लगा पर चिकन ही नहीं निकल रहे थे। थैंकफुली लास्ट में दो चिकन निकल गए और फाइनली अब मैं चिकन को ब्रीड कर सकता था। फिर मैंने अपने जंगल सैपलिंग को भी प्लांट कर दिया और ड्रैगन हेड और ड्रैगन के अंडे को सजा कर रख दिया। पता नहीं क्यों मैंने मुंडी के ऊपर अंडे को रख दिया, ऐसे कौन सजाता है भाई। फिर मैंने अपने सुबोल पे अनब्रेकिंग 3 लगाया और अपने बो पे भी कुछ इंचेंटमेंट किया, पर अच्छे वाले इंचेंटमेंट नहीं मिले। पर दोबारा से लगाने के बाद मेरे बो में भी ठीक ठाक इंचेंटमेंट मिल गया और फिर मैंने कुछ बुक्स को भी इंचेंट किया और अपने सारे के सारे एक्सपी को खत्म कर दिया। फिर मैंने अपने मुर्गियों के लिए एक छोटा सा फार्म बनाया। हाँ, तुम लोग इसे जेल भी बोल सकते हो। हर ऐसी वीडियो में अपने लिए एक घर बनाता था, पर इस बार मैंने सोचा कि मैं घर नहीं बनाऊंगा पर अपने डायमंड आर्मर और डायमंड टूल्स को फुल्ली इंचेंट करूंगा। इसलिए मैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए नेदर में गया और एक इजी बट बहुत ही एफिशिएंट वाला एक्सपी फार्म बनाया। मैं इस फार्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, तुम लोग भी इसे बना सकते हो। ये बनाना भी बहुत ईजी है और एक्सपी भी बहुत आसानी से मिलता है। तो मैंने अपने एक्सपी फार्म को कंप्लीट कर दिया और फटाफट से एक्सपी कलेक्ट करने लगा। इस एक्सपी फार्म से एक्सपी कलेक्ट करने के लिए तुम्हें इन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को मारना होता है और उन्हें गुस्सा दिलाकर इस वाले ट्रैप के अंदर डालना होता है। देखो, सारे के सारे लोग आके इस ट्रैप में गिर जाएंगे और नीचे से आराम से इन्हें मार के एक्सपी कलेक्ट कर सकते हैं हम। तो अपने एक्सपी को 30 करने के बाद मैं वापस ही लौट गया और अपने आयरन पिकैक्स पे मेरे को मिला फॉर्च्यून 3। मेरा आयरन का पिकैक्स इतने अच्छे से इंचेंट हुआ, काश ये डायमंड का होता पर मेरे पास डायमंड ही नहीं था। तो मैंने अपने फॉर्च्यून 3 वाले पिकैक्स से अगले 2 दिन तक माइनिंग किया। तो 2 दिन माइनिंग करने के बाद एट डे 48 मेरे पास हो चुके थे इतने सारे सामान। तो मैंने अपने डायमंड आर्मर को कंप्लीट कर दिया और फुल डायमंड सेट पहन के कुछ देर तक अपने बेस के अंदर उछलने लगा। भाई मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरी खुशी है, हेलो। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे के सारे मिनरल्स को स्मेल्ट के लिए रख दिया। मेरे पास बहुत सारा गोल्ड भी हो चुका था तो लगे हाथों मैंने कुछ गोल्डन एप्पल्स भी बना दिया। और अब मेरे आर्मर को इंचेंट करने के लिए मेरे पास एक्सपी नहीं था तो मैं फिर से गया अपने एक्सपी फार्म पे। फिर डे 49 पे मेरे पास बहुत सारे एक्सपी हो गए और मैंने अपने सारे के सारे आर्मर सेट को फुल्ली इंचेंट कर दिया। तो एट द एंड ऑफ डे 50 हमने बहुत सारे चीजें अचीव करे। हमने एंडर ड्रैगन को मारा, इलाइट्रा लेकर वापस आया, नए लैंड को डिस्कवर किया और अपने फुल आर्मर सेट को डायमंड वो भी इंचेंट कर लिया। पर अभी भी हमको विदर को मारना है और ओशियन मॉन्यूमेंट को भी तो कॉन्क्वेयर करना है। अगली एपिसोड में सारे चीजें करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।